गुरुवरी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रोताओं प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम जो हम कभी अपनी स्टूडियो से तो कभी बाहर से लाते हैं। तो पीछे का रंग रूप देख करके आपको लग रहा होगा कि हम आज स्टूडियोज में नहीं है। जरूर हम आज बाहर हैं और हम हैं विक्टोरिया रोड पापाटोटोई ऑकलैंड न्यूजीलैंड। हमारे श्री प्रीतम जी और शेली जी, उनके सुपुत्री अवंतिका और साथ में एक छोटू भी है जो साइड स्टेप पर बैठा होगा, सुन रहा होगा। और समस्त जितने परिवार हैं हमारे एसकेपी ग्रुप, सेवक रेपकार ग्रुप, सबको बहुत बहुत अभिवादन है। आज बड़े सौभाग्य हमारे कि जिसको आप शायद सभी जानते होंगे, जितने हमारे फेसबुक फॉलोअर्स हैं, संत श्री मुक्तमणि शास्त्री जी जो पिछले कई सालों से हमारे साथ दे रहे हैं, भागवत कृपा सेवा आश्रम के हमारे महंत जी हैं। अयोध्या के इस पावन प्रांगण से हमारे बीच में इस धराधाम पर आए, हमारे ऑकलैंड न्यूजीलैंड के नगर में बहुत सुंदर इनका कथा भी हुआ हमारे सत्येन जी और रोहिणी जी के यहाँ। तो सभी आनंदित हुए, कई भक्त आकर के इनके सुंदर प्रवचनों को सुने हैं। आइए हम इनका भव्य स्वागत करते हैं। और क्योंकि आज ही इनका फ्लाइट वापस भारत का है और इतने सालों से वो हमारे प्रोग्राम को सदैव आशीर्वाद ही देते हैं। संत का काम ही होता है आशीर्वाद देना, और संत आशीर्वाद ना देंगे तो कौन देगा भैया। इसलिए अयोध्या जी के प्रांगण से कोई लिखे कि वाह भाई अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम सुंदर लग रहे हैं, आशीष है, तो हमें बहुत गर्व होता है। इनके साथ में इनके अर्धांगिनी, इनकी धर्मपत्नी पूजा जी भी आई हुई हैं, उनका भी भव्य स्वागत करते हुए। आज गृह स्वामी की तरफ से हम जितने परिवार लोग आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमेशा की तरह आज बहुत सारे लोग हैं, हम सबका नाम ले नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे विशेष जो मेहमान हर सप्ताह हमारे स्टूडियोज में आते हैं वो हैं हमारे श्री उत्तम जी भैया और हमारे जी सुनाता श्री भाभी श्री सरोज जी, साथ में हमारे मास्टर रमेश अम जी हैं और उनके धर्मपत्नी भाभी श्री हैं, उनके साथ में चले हम लोग शीला जी, और साथ में मास्टर सत्येंद्र नंदन जी, सुमन नंदन जी और बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए हैं। परस भैया आप भी आए आज, धन्यवाद भैया। अरविंद जी हमारे साथ सदैव देते रहे, तपरा पर साथ दे रहे हैं हमारे, नमन सामी हमेशा की तरह, और हमारे लेफ्ट साइड पर आज बैठे हुए हैं, थोड़ा सा
रद्द बदल हुआ है जगह में, आज क्षमा करेंगे। सिवनेश शेट्टी भैया आप मंजीरा पर से हमारे साथ देते हैं, चले हम मिल करके पहले तो हम छोटा सा प्रार्थना कर लेंगे, प्रार्थना के बाद में हम भूमिका बांधेंगे। और आज का प्रसंग क्या है, हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं ला रहे हैं आपके बीच में आज, क्यों? चार पांच दिन में दिवाली है और दिवाली का महोत्सव बड़े धूमधाम से, ना कि सिर्फ भारत में बल्कि जहां जहां भी हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले, संस्कृति सभ्यता भाषा को मानने वाले लोग हैं, उन सब के घरों में दीप जलती है, माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। तो ग्रह स्वामी कहें अभी अभी थोड़ा देर पहले कि हम दिवाली का स्पेशल प्रोग्राम चाहते हैं, तो आज हमारे फेसबुक पर आप देखें उसमें लिखा होगा कि वीकली साप्ताहिक जो कथा हमारी आती है, आज स्पेशल दिवाली पर ही प्रोग्राम है। तो क्या होगा, कुछ मेरे मुख से और कुछ हमारे भारत के संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी के मुखारविंद से भी आएगी, और उनके मुखारविंद से आएंगी तो और आनंद देगा। भाव से चले सभी को हमारे साथ में, हम गाएंगे भाव से गणपति भगवान का, हम सब स्मरण करें भगवान गणपति से, प्रार्थना करें गणपति भगवान जो भी हमारे ग्रह स्वामी और ग्रह स्वामिनी की इच्छा है, उनकी बेटी की जो मनोकामनाएं हैं वो सब पूरा हो, सब मंगल हो, सबके लिए इस वर्ष की दीपावली सबके घरों में माँ आए, खुशियाँ लेकर के आए, माँ अन्नपूर्णा रूप में आए, माँ वस्त्र रूप में आए, मूल वस्त्र देवी के रूप में आवे, माँ लक्ष्मी के रूप में आवे, माँ विद्या दायिनी लक्ष्मी के रूप में आवे, जो रूप में आए मैया सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दें। भाव से हमारे साथ में सब बोलते हैं, गाइए गणपति जगवंदन, हमारी कैमरा वुमन सानिया बेटी इस सोनम की जो बहन है आज हमारे बीच में कैमरा ऑपरेट कर रही है, उनके पिताजी विजेंद्र जी हरदम हमारे सहयोग में आते रहते हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा बहुत कैमरा सभी तरफ जाए, और मास्टर पवन जी आपका पदार्पण हुआ हमेशा की तरह देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सदा सरस्वती भगवती
पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ, स्वर्ग पिता श्री को भी प्रणाम करता हूँ, हमारे गुरुदेव जी उनके श्री चरणों को भी साष्टांग प्रणाम, तुलसी वाली रामधार अयोध्या जी के पावन प्रांगण से हमारा प्रोग्राम देख करके अपना आशीर्वाद जो देते हैं उनके श्री चरणों को बार बार वंदना है। और जितने विद्वत लोग हैं जिनमें से आज एक हमारे बीच में है, इनका आशीर्वाद मिले, संतों का आशीर्वाद मिले, हम इनका आशीर्वाद का लालायित रहते हैं सदैव। ज्ञान शक्ति समारोह अभिषिता मुक्ति मुक्ति प्रदाता तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गुरुदेव भगवान की आयो। भगवान श्री रामचंद्र जी को हम सब चरणों में उनका ध्यान करें। ओम नीलाम्बर भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पानो महा सायक चारु चापम श्रीराम चंद्रम शरणम प्रपद्ये। जो हर कथा में आते हैं ऐसा मंगल आशीर्वाद जिनको मिला है वो हमारे श्री पवन सुख हनुमान जी महाराज हैं। सुबह हम लोग इस घर पर श्री हनुमान जी की झंडा का वंदन किए हैं और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जिस प्रांगण में श्री हनुमान जी का झंडा लहराए वो घर भी पवित्र है और वहां के हर एक आने जाने वाला भी पवित्र होते हैं। बाद में संत श्री इस पर टिप्पणी जरूर करेंगे। मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजवान युद्धमुख्यम श्रीरामदूतम् शरणं जपावे।
हनुमान जी विराजे। आप भी आना नारद जी को आप भी आना नारद जी को बिना पितान बिना पितान सुनाना हमारे हरि कीर्तन। आप भी आना सब पूरी बोला आप भी आना सब करी बोला दम रूप कान सुना दम रूप कान हमारे हरी हनुमान हमारे हरि हनुमान हमारे हरि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बोलिए एक बार सब मिल करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की। प्रीतम भैया आपके अनुरोध पर दिवाली शुरू कर दिया जाए। दिवाली है क्या सब जानते हैं इस बात को। दिवाली अंदर के विकारों को दूर करने हैं। अंदर के जितने भी विकारे हैं और अंदर के विकारे सतीन जी तीन रोज की कथा में तो आपको दोनों कानों से सुनाई पड़ा होगा कि विकारे हैं क्या हमारे। काम क्रोध मद लोभ मत्सर ये सब। तो रावण हमारे बीच में आए आध्यात्मिक भाव से देखे तो रावण है कौन यही है। रावण उस समय त्रेता युग में राम जी तो मार दिए थे ना उनका सर्वनाश हो गया था। लेकिन रावण आज भी जिंदा है। कैसे जिंदा है? जब हम क्रोध में आ जाते तो रावण जिंदा हो जाता है। जब हमारे में अभिमान जाग जाते हैं तो रावण फिर जिंदा हो जाते हैं। लोभ जब आ जाता है अंदर में तो भी रावण आ जाता है। तो ये रावण कब मरे? जब हमारे अंदर के सब विकारे दूर हो जाएंगे तब रावण मर जाएगा सही में, अन्यथा रावण जीते रहेगा। अब देखो हम लोग के हाथ में होती हैं। राम जी तो हमारे इंग्लिश में बच्चे जब कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे शब्द लेकर के आते हैं। जब जब भी हम कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो सही तरीके से हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो उनको इंग्लिश में बोला जाता है। तो कहते हैं कि दिवाली इज कॉन्करिंग डार्कनेस विद इन अस। और कितना सुंदर है, अंदर की जो अंधकार को विनाश करा जाए तो वो दिवाली है। खूब दिया घर में जला लिए और फिर भी मन में इतना मैला रखे तो फिर दिवाली तो हुई नहीं। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे भजन भी हमारे बीच में आए हैं कि तन का मैल तो धुलता है मन का मैल। राम भगति जल बिनु खगराई उत्तरकांड। और ये कथा आज का भी जो है वो भी उत्तरकांड का ही है जिसमें कागभूषण जी महाराज और गरुड़ जी का बहुत सुंदर प्रसंग है। तो जब पूछा गया गरुड़ जी द्वारा कागभूषण जी से
कि आपको तो अच्छे अच्छे शरीर मिले थे, फिर आपने ये कौवा का शरीर क्यों रखा? तो पागभुजंड जी ने बड़ा गर्भित जवाब दिया, कहा जब तक हमारे अंदर की भावना जागृत नहीं हुई ना, तब तक हम शरीर के ऊपर शरीर बदलते थे। जैसे कि गुरुदेव का तो नहीं, श्री शंकर भगवान का शाप था कि जा रहे अजगर जैसा बैठा रहा, उठ करके अपने गुरु को प्रणाम भी नहीं किया, जा तू सहस्त्र जन्म अजगर का पाए। गुरुजी ने हाहाकार की न, शिव भगवान को स्तुति करेगी, परमात्मन अल्पज्ञ जीव है, इसको क्या पता क्या सही है क्या गलत है, से क्षमा करें प्रभु। और बार बार जब उन्होंने अनुरोध करी तो शंकर भगवान ने कहा, मूर्ति के माध्यम से आकाशवाणी हुई उस शिवालय में, तो जा उनको आशीर्वाद भी देता हूं कि ये जन्मेगा मरेगा और ये ब्राह्मण के शरीर पाएगा जिसमें इनकी भक्ति जागेगी, लेकिन पूर्ण रूप से वो भक्ति नहीं जागेगी जब तक ये कौवा रूप में नहीं आएगा तब तक। इसीलिए हे गरुड़ जी, राम भक्ति चला बिनु खगराई, राम भक्ति चला बिनु खगराई, अभी और कबीरदास का भजन है, घुमिया जल बीच मरत प्यासा, सच्चा साबुन ली नहीं मूरख, करे धोबी अनके। तो जब तक हमें वो औषधि न मिल जाए, जब तक हमें वो शैंपू न मिल जाए जो अंदर की विकार को दूर करे, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो भरत भैया, आज एक दिन बचा है 14 वर्ष की अवधि पूरा होने का, क्योंकि 14 वर्ष के बाद अगर एक भी दिन देर हुआ ना भैया, राम जी से कहते चित्रकूट में राम जी के पादिका को लेकर के अयोध्या जी के वापस जब जाने लगे, तो कहा कि भैया एक भी दिन अगर देर हो गई ना तो हम जीवित नहीं रहेंगे, मैं 3 चौपाई बोलूंगा, इसके बाद में हमारे संत श्री मुक्तामणि जी के सुंदर वचनों के माध्यम से कथा आगे बढ़ेगी। आइए चले भाव सुने, दोहा में लिखा है, रहे रहा एक दिन अवधि कर भारत पुरनो, जहां तहां सोच ही नारी नर, कृष्ण तनु राम वियोग, कृष्ण तनु राम वियोग, शकुन बोही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब के, प्रभु आगा
मन जानो नगर रम्या कौशल्याधिक मातु सब मन आनंद सहोई आए प्रभु सियानु जयते कहन चहत अब समय जब अनुकूल हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर में कोई शकुन हमें संकेत करता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। माताएं ऐसे ही अनुभूति करने लगते हैं, कौशल्या आदि सब रानियां जितने नगर के वासी हैं सब वो भी और इधर भरत भैया सागर के तट के पास क्षमा करें विराह के सागर के तट बड़े दुखी हैं। दक्षिण मुझे भरत भैया के फरकने लगते हैं, मैं एक महात्मा जी की कथा सुन रहा था, कहे हमारी माताएं कि अगर वाम अंग फरकने लगे चाहे वो आंख हो चाहे बुझा हो सबको अच्छा होने वाला है। और हमारे पुरुष समाज पर दाहिना राइट साइड अगर फरकने लगे अच्छा होने वाला है कुछ। हाँ स्पष्टीकरण कर दिया उन्होंने, ये दो चार मिनट फरके बंद हो जाए तो ठीक, और दो चार रोज फरके ना तो सिर्फ डॉक्टर के पास ही उसका इलाज हो सकता है। शरीर की या चमड़े की कोई बीमारी है उसको इलाज करना पड़ेगा, वो सकुन नहीं है। और भरत भैया का यही हाल है, पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं मन दुख भय सतन जी के यहां पर हमारे संत मुक्तामणि जी ने ऐसे ऐसे राग छेड़े थे ना, प्रथम दिवस की कथा में जब हमारे साथ इनका था तो आनंद हो गए, मन प्रसन्न हो गया था कि कोई कथाकार जिनमें स्वरों का ज्ञान हो रागों का ज्ञान हो। और ये राग से उन्होंने बड़ सुंदर विवेचन भी किया था, राग शिवरंजनी ये राग में आपको लगे
कहीं ना कहीं अंदर की हर एक इंद्रियां हमारी ये बोल रही है, ये करुणा का विषय है। एक दिन बचा है, बड़े दुखी श्री भरत भैया जी, और क्या बोल रहे हैं, कारण कवना, क्या कारण है, कारण कवना नाथ नहीं आए, प्रभु मोहे विसरा। मैं जानता हूं प्रभु मुझे कुटिल समझ करके मुझे विसार दिया है, इस कारण से आ ही नहीं रहे। आहा धन्या लक्ष्मण बड़भागी, अरे हमारे छोटे अनुज लक्ष्मण बड़े बड़भागी, क्योंकि राम जी के चरणों के पीछे पीछे चले, राम पतार बिंदु अनुरा। धन्य लक्ष्मण, जहां प्रभु राम जी के चरण पड़े उसी चरण के पीछे पीछे आप चले। मोही प्रभु चीना नाथ नाथ साथ नहीं देना। ऐसे झूठी अवस्था है भरत विलाह की सागर में, राम विलाह सागर मां भरत मगन मन हो, विप्ररूप हरि पवन सुत, विप्ररूप हरि पवन सुत आए गयउ जीवि मोत सियावर रामचंद्र। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की, और हनुमान जी की तो बोलना पड़ेगा, आई गए ना, बोलिए हनुमान जी महाराज की। मैं सर्वप्राहु हमारे औध धाम से पधारे हमारे बीच में संत मुक्तामणि शास्त्री जी, राम श्री राम राम श्री राम, अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम, कपीसुमक्षहंतारम्
वंदे लंका भयंकरं लेत सदा सुधी जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय कथा में बैठे हो हमें भी जाना है और सबको जाना है। बोल गप्पा जैसा मुख बना के मत बैठो भाई, जरा मुस्कुराते हुए तालियां बजाते हुए सब में जाओ। श्री राम जय आया था सुनने के लिए और पूज्य श्री ने दे दिया हारमोनियम माइक लगा के पहले ही बैठे कि कुछ सुनाओ। वास्तव में जो आनंद सुनने में है ना उस सुनाने में नहीं है। आज के वर्तमान परिवेश में सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, लोग सुनाना चाहते हैं सुनना नहीं चाहते हैं। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस दिन हम सुनना सीख लेंगे, जिस दिन हम सुनना जान जाएंगे, उसी दिन हमारे हृदय में जो दीपावली रूपी प्रकाश है अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा। जब हम सुनाते हैं किसी को वो हमारी सुनता नहीं तो क्या होता है, क्रोध आता है। अरे भैया हमने खूब सुनाया लेकिन ये हमारी सुनता नहीं। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, क्रोधादि भवति सम्मोहात् सम्मोहात् सुमितु विभ्रमा अस्मृतु भ्रंसादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। जब हमारे जीवन में अज्ञानता होता है तभी तो क्रोध आता है। और तीन को ही तो कहा गया कि ये पाप का मूल है। क्या क्या आप लोग तो अच्छे रामायणी हो यहाँ के, और एक से एक मास्टर बैठे हुए हैं जो एक अपने अपने हारमोनियम में पारंगत। मैं सबको जानता हूँ, देखा हूँ, सबसे कहीं ना कहीं बात भी मेरी हुई है। तो मेरे भाई बहन, काम क्रोध लोभ और मोह ये तीन ऐसे विकार हैं कि जो विकार आने के बाद फिर व्यक्ति का विनाशी करते हैं। प्रसंग बड़ा प्यारा है आपने छेड़ा था कि श्री भरत जी महाराज नंदी ग्राम में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का इंतजार कर रहे हैं और इधर मैया कौशल्या अयोध्या जी में भगवान का इंतजार करती हुई कहती हैं, कागा से कहती हैं, बोल कागा बोल मेरे
राम कब आएंगे, बोल काका बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल काका बोल मेरे, बोल काका बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल काका बोल मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोल काका बोल मेरे राम कब आएंगे। सुनाने का समय नहीं, प्रसंग को इतना मार्मिक आपने छेड़ दिया, अद्भुत है। कहने का से ये इंतजार कर रहे हैं किसका, अपने राघवेंद्र सरकार का, कि हम अपने राघवेंद्र को ही देखें। है आंखों जो राम का सचिन नंदन जी, सुमिरन किया दर्शन किया कर, आंख वही है जो भगवान का दर्शन करे, नहीं तो श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं वरहा यते ते नैना नराणा, मोर पंख के पंख को जित देखूं जो ना देखे जगत को, आंख नहीं सो मोर का जो पंख होता है उसमें आप ही आंख बने होते, लेकिन उन आंखों से कहा जाए, जरा प्रीतम जी को देख के बताओ, भागवत कृपा सेवाश्रम के संरक्षक पंडित श्री राम कुमार जी को देख के बताओ, कहेगा महाराज आंख तो है लेकिन हम देख नहीं सकते। वो आंख नहीं जिन आंखों को असली नकली का ज्ञान नहीं, ओ हाथ नहीं जिन हाथ ने किया है कभी तो दान नहीं, वो आंख किसी काम का नहीं जो अपने ठाकुर जी को निर्निमेष नैनों से ना निहारे, जो अपने परमात्मा को देख करके उसके बाकी शांति को देख करके आंखों से अश्रु धारा को प्रवाहित करते हुए रोते हुए ये ना बोलते हैं गोविंद हे श्री राघवेंद्र मैं आपका हूँ। भरत जी महाराज के आंखों में आंसू है, 14 वर्ष व्यतीत तो होने वाला है और इधर दीपोत्सव का समय आने वाला है, कहते तेरे बिना क्या दीपोत्सव मनाना मेरे राम, और अगर आज आप नहीं आओगे तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। प्राणों की आहुति देने जा ही रहे थे ना, एक घटना घट गई, तब तक दो राजकुमार के रूप में व्यक्ति आकर के सामने खड़े हो गए और कहते हैं हे भरत अपने प्राणों का उत्सर्ग मत करो, राम जी आएंगे। तो राम जी ने पूछा आपको कैसे मालूम आप कौन हो, तो दोनों राजकुमार रोते हुए कहते हैं हे राघवेंद्र हे दशरथ भरत जी मैं भगवान श्री राम जी के चरणों का खड़ा हूँ जो आज आपके प्राणों को बचाने के लिए मैं यहाँ पर आकर के प्रकट हो गया हूँ। प्रभु करी कृपा का है ना, भगवान ने दिया था कि जाकर के भरत की और मेरे राज्य की रक्षा करना, मैं वही हूं। एक चीज और मैं कह दूं, संत में और साधु में थोड़ा सा अंतर है, भरत जी क्या है संत है, रामचरितमानस जी में रामचरित महारानी जी में वर्णन आता है कि भरत जी संत है। अच्छा अंतर क्या है साधु में और संतों में, जो
भगवान के लिए रोता है वो कौन है? साधु है। भगवान को पाने के लिए जो रोए वो कौन है? साधु है। लेकिन जिसे पाने के लिए स्वयं भगवान रोते हैं वो संत है। श्री भरत जी महाराज संत है और ऐसे संत को पाने के लिए महाराज रोते हैं। चौपाई सुनी। भरत सरीस को राम स्नेही, भरत सरीस को राम स्नेही, भरत सरीस को, भरत सरीस को राम स्नेही, जग जप राम राम स्नेही, जग जप राम राम स्नेही। भरत जैसा भगवान का स्नेही कौन होगा? भगवान का प्रेमी कौन हो जो राजफल को ठुकरा दिया, कर्म चोर नृपति कमारी मानो राम रत्न ले भाग्यो। भैया कैकेयी ने कहा, भरत तुम्हारे लिए मैंने सारा रास्ता खोल दिया है, आज से तू राजा होगे। भरत ने कहा, मां तुमने मेरे कर्म को नहीं खोला, मेरे कर्म को खोल दिया। राम के बिना मैं राज्य लेके क्या करूंगा? जहां राम वही अयोध्या। और लक्ष्मण जी ने क्या कहा? कौशल सुमित्रा जी ने कि जहां राम जी वो अयोध्या, अवध कहां जहां राम दीपाल। बिना राम की कोई अयोध्या नहीं, और मुझे लगता है कि ऑफ लैंड भी अयोध्या ही है, क्योंकि यहां राम कथा के रूप में हमारे युग तुलसी श्री राम जी विराजते हैं। जरा जोरदार ताली बजाइए। और हमें भी खुशी होती है कि अयोध्या जी भागवत कृपा सेवा आश्रम के आप संरक्षक हो। भगवान का हो जाना बहुत बड़ी बात है। लोग ना हक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, संसार में कोई बुरा नहीं। लोग अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है, कहां करे किसे करे, कहां करे किसे करे शिकायत अपनी। जितना तकदीर में लिखा उतना होता है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। और ये अंधकार तभी हमारा मिटेगा जब हमारे जीवन का काम क्रोध लोभ ईर्ष्या कपट राग द्वेष पाखंड अस्मिता समाप्त हो। जब तक ये समाप्त नहीं होगा, हम लाख दीपक जला लें, कुछ भी होने वाला नहीं। मन मैला तन उजला, बगुला जैसा वेश, खूब बढ़िया सुंदर सुंदर उज्जर उज्जर कपड़ा पहनो, सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट, लेकिन मन मैला हो और बंगला जैसा वेश बना करके बैठे रहो, क्या मतलब है? उनसे तो कागा भला, उनसे तो कौवा भला है। दो अंदर बाहर बाहर भी काला है। हमारे भारत की परंपरा है, अगर कौवा किसी के सर पर बैठ जाए ना तो अपशकुन मानते हैं। लेकिन वही कौवा देखो, काग के हाथ बड़ो सजनी, हर हाथ से ले गए माखन रोटी। वही कौवा भगवान का मित्र है। भोजन करते अजीर महान, काई उठाई कर खान। भरत जी महाराज जब बहुत दुखी हो गए, बहुत चिंतित हो गए, तो श्री भरत जी महाराज की चिंता को दूर करने के लिए स्वयं हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। महावीर बिना बहु हनुमाना, महावीर बिना
दस आप उत्सर्ग मत करो, राम जी आने वाले हैं, मेरे प्रभु आने वाले हैं। इसीलिए तो कभी कभी भरत जी से राम जी कह देते हैं, हे भरत, भरत भाई कपि से बोली भाई कपि से बोली। मैं सबसे बुरी में हो सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी से उरित नहीं हो सकता। और श्री हनुमान जी महाराज प्रकट होकर के शुभ सूचना दिया है, विमान आया है। देखो मैं तो श्रोता हूँ, सुनने के लिए आया था, कुछ कहना नहीं है। महाराज ने कहा कि दीपावली का उत्सव है, बोल दो, वाणी पवित्र कर रहा हूँ, क्या बोलूं? मैं मूर्ख मूर्ख हृदय नचे, क्या कहूं? लेकिन फिर भी ये तो आप लोगों की कृपा है हमारे ऊपर, जो मैं यहाँ पर बैठ करके कुछ कह रहा हूँ। श्री भरत जी महाराज के सामने राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। भरत जी महाराज चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। अयोध्या में पता चला, अयोध्या के नर नारी मगन होकर के देव प्रज्वलित करते हैं। सबसे पहले भरत जी के बाद राम जी कैकेयी से मिलते हैं कि कैकेयी हमें देख के कहीं न जाए ना। ये ऐसा प्यारा प्रसंग है कि हम सब लोग साथ साथ नौ नौ दस दस दिनों तक इसी पर बोलते रहते हैं। समय अभाव, जैसे केले के पात में पात, पात में पात, केला का देखे हैं पेड़ ना, छिलका छिलो तो निकलता रहता है। वैसे साधु के बात में बात, बात में बात, समय ज्यादा हो तो बहुत बड़ा प्रसंग हो जाएगा, और समय कम हो तो बस इतना ही कहना है क्या कि एक राम एक रावणा, एक राम जी से एक रावण था, राम जी ने रावण को मार दिया, बस हो गई श्री राम कथा। और समय ज्यादा हो तो फिर चलते रहो, क्या कहना, ज्यादा ना कुछ कह करके बता चले। सीताराम जी की प्यारी रजधानी मारे, रजधानी मारे, क्योंकि अयोध्या का आनंद ही कुछ निराला। और इस संत जो विराजमान संत है, इन्होंने मंदिर का महंत बना के बैठा दिया है। भागवत कृपा से वास्तव श्री राजेंद्र भाई भी ऑस्ट्रेलिया से सुन ही रहे होंगे, वो भी बड़े मन से सुन रहे होंगे। तो चलिए अयोध्या की दो मिनट चल लीजिए। सीताराम जी की कारी वासियों, ज्यादा क्या कहूं, आप लोग तो मेरे हृदय में बसते हो। मैंने यहाँ
वो भी बजाया महाराज जी, क्या कहते नगारा, मैंने उसको भी बजाया, आनंद लिया। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, दिल के बड़े सच्चे हो, और जो प्यार आप लोगों ने दिया है वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो मैं यही कहूंगा, दीपक घर में जलाना, कम ही जलाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंसान के हृदय में प्रेम रूपी दीपक जरूर जलाना। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, गालो प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। तालियां दिया, ज्योति से जी ने हूँ भाई जी, मुलाकात नहीं हो सकती, वो भी सुन रही होगी, उसे भी कहूंगा ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करते हुए भागवत कृपा सेवा आश्रम के संरक्षक पूज्य श्री पंडित राम कुमार सेवक जी को, श्री राजेंद्र भैया को, सत्येंद्र नंदन जी को, जितने लोग कितने लोगों का नाम गिनाए, हमारी माता सरोज जी भी आई होंगी, उनका भी बड़ा प्यार मेरे प्रति रहता है, बहुत स्नेह करती हैं, जितने लोग हो सबको हम जानते हैं, ऐसा कोई यहाँ बैठा है जो भैया से, विनोद जी भी आए हैं सबको, और सत्येंद्र जी को विशेष विशेष आभार देंगे कि उतनी दूर से बुला करके हमें आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया, और जैसे मुझे लगा कि हम अयोध्या धाम में है, सबके लिए जरा जोरदार ताली बजाइए भाई। मैं जानता हूँ हर लोगों से मैं चुन चुन करके दौड़ दौड़ के मिलने का प्रयास किया, क्योंकि सब अपने ही तो हो। अयम निजः परो वेति गणना च लघुत चेतसाम, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, जो क्षण दे सके दिए। और फिर आखिरी बात, कौन जानता है कि कब मौत का पैगाम आ जाए, कौन जानता है किस जिंदगी का आखिरी शाम आ जाए। मैं सोचता हूँ मेरे फिजी वासियों, मेरे न्यूजीलैंड ऑकलैंड वासियों, मुक्तामणि शास्त्री का जीवन आप लोगों के काम आ जाए। खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, इन्हीं शब्दों के साथ जय सियाराम, जय जय श्री सीताराम। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, अपने जीवन को खुशहाल बनो, जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम। और आभार व्यक्त करते हम अपने समय को निकाल करके हमारे बीच में आए, और जाते जाते एयरपोर्ट 9:30 बजे रहना है, तो हम कहते हैं ना कि संत और असंत दोनों दुखदायी ही होते हैं। मिलते कदारुण दुख दीना, असंत जब मिलते हैं तो बहुत दुखी हम हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं यार अभी गाली गलौज करेगा, अभी किसी की बुराई करेगा तो दुख तो देते ना, तो वो असंत होते हैं। मिलता है एक दारुण दुख दीना, और जब ऐसे संत मिल जाए ना तो बिछुड़ते एक प्राण हर लीना। यात्रा आपका मंगल हो, आपका और पूजा आपका भी यात्रा बहुत ही सुखद हो। आपको इस देश में आना हमारे बीच में, इसका श्रेय जाता है सत्येंद्र जी और
रोहिणी जी को। हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम बने थे, लेकिन अर्थोपार्जन की व्यवस्था करना, इसमें गाड़ी मेहनत से किसी के प्रति, किसी संत साधु की हम अगर इस देश में, अपने गांव में, अपने ग्राम में, अपने घर में लाते हैं ना, संत चरण एक बार घर में पड़ जाते हैं, घर पवन हो जाता है, मंगल हो जाता है। हम यही विशेष अनुरोध करेंगे सबसे कि हम अपने वाले करें, परमात्मा अपने वाले करते हैं, संत अपने वाले करते हैं। संत किसी को दुख नहीं देते हैं, संत असल कभी किसी को दुख नहीं देते, संत कभी किसी, राम जी कहते हैं ना कि ना काहुन कर दुख सुख कर दाता, कोई किसी को दुख नहीं देता और ना कोई किसी को सुख देता है, निज कृत कर्म, हमारा अपना कर्म ही हमें सुख और दुख की प्राप्ति करवाता है। हम आए, आप आए हमारे देश, हमारे गांव, हमारे घर में। जब मैं पहुंचा प्रांगण अयोध्या में तो आपने अपने आश्रम पर हमें ये गद्दी दी, आपने संतों के महात्माओं के बीच में मुझे बैठ करके शब्द, दो चार शब्द, टूटी फूटी शब्दों में मैं बोल पाया, इसके लिए आभार। तो आप आए इतने माड़े ज्ञान और ज्ञान गुण को लेकर के, और हम आपको न बोलें तो कौन सी बुद्धिमत्ता होगी, इसलिए आपका आभार, बहुत बहुत आभार। अयोध्या जाकर के श्री राम जी के चरणों को हम सब की ओर से वंदना कर लेना महाराज जी, धन्यवाद। जय श्री सीताराम। आज की ट्रांसमिशन यहीं पर विराम पर जा रही है। प्रीतम भैया, श्री, आप दोनों के जीवन सुख में रहे, शांति में ने, और आप दोनों ने ऐसे महात्मा को अपने घर बुलाया है, आपका बहुत 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 धन्यवाद है, धन्यवाद। जय सियाराम सबको। और एक बात बिफोर हम क्रॉस ऑफ कर दें लाइव, दिवाली की जो बहुत झगड़ा चल रही ना, बंद करो झगड़ा, झगड़ा बंद करो भाई, प्यार से दीपावली मनाओ। कोई कहता है हम संडे को मनाएंगे, मनाओ, पूरा मनाओ भाई, खुशियां से मनाओ। लेकिन अगर तिथि देखे तो अमावस्या तिथि हमारे इस सदन एमएसवीओ में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी में आता है कम से कम 10:30 रात को, 10:27 पर रात को हमारे दीपावली पूजन के मुहूर्त निकले। अब बताओ भाई, सब सो जाते हैं तब हम दीपावली मनाएंगे, अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हमारा ये जो अमावस्या तिथि चलेगी 10:27 ऑन मंडे, ठीक है ना। तो आप मंडे को आराम से 7:30 मेरी लाइव प्रसारण आएगी दीपावली पूजन का, फिजी में 6:30, हम या न्यूजीलैंड में 7:30 लाइव आपके बीच में आएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है आप जहां जहां भी, जिस जिस भी माध्यम से दिवाली पूजन कराई जाएगी, आप आराम से करें, चाहे वो संडे हो चाहे वो मंडे हो, भैया प्यार से, जय राम जी, जय राम जी, सबको दिवाली मंगल हो और सुखद हो।